I wish that for only one day, Dad couldn't tell a lie. It's been real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. Mama! मूवी स्टार्ट होती है छोटे बच्चों से, जहां पर क्लास में टीचर उन बच्चों से उनके फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछती है, जिनमें से एक बच्चा बोलता है कि उसके डैड झूठ बोलते हैं, लेकिन वो काला सूट पहन करके कोर्ट जाते हैं, जिस पर टीचर कहती है, ओ तो तुम्हारे फादर बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं। बच्चे का नाम मैक्स है, जो कि फ्लेचर रीड का बेटा है, और वो एक लॉयर है और डिवोर्सी भी है। उसके साथ उसका बेटा मैक्स है, जो कि बात बात पर वो झूठ बोलता है, और फ्लेचर अपने घर बेटे के साथ मस्ती करता है। तभी वहाँ जेरी आ जाता है, जो कि ऑड्री उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है। जब वो दोनों किस करते हैं तो फ्लेचर कहता है, मुंह में गौन लगा कर आए थे, जेरी वॉस्टन जाने वाला है। ये बात ऑड्री फ्लेचर से कहती है कि मैक्स उसे मिस करेगा, तो फ्लेचर कहता है, कोई नहीं मैं आ जाऊँगा, और फ्लेचर मैक्स को लेकर के रेसलिंग दिखाने जाता है, लेकिन उससे पहले उसे 5 मिनट अपने ऑफिस का काम भी निपटाना है। वहीं मिरांडा को दिखाया जाता है फ्रेड वकील के साथ में, जो कि फ्रेड को वो मिसेस कॉल का केस लड़कर जीतने का बोलती है। वो बोलती है कैसे भी करो बट केस को जीतना है, जिस पर फ्रेड कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मिरांडा कहती है फिर तो हमें इस केस के लिए किसी काबिल शख्स को ही ढूंढना होगा। वहीं फ्लेचर ऑफिस पहुंचता है, हम देखते हैं कि वो वहाँ हर किसी से झूठ बोल रहा है, चाहे किसी की तारीफ ही क्यों ना करना हो, और अपनी सेक्रेटरी ग्रेटा के पास पहुंचता है। ग्रेटा से उसे पता चलता है कि कल उसके बेटे मैक्स का बर्थडे है, और वो मैक्स को एक रूम में वीडियो गेम खेलने के लिए बिठाता है और खुद वापस काम में बिजी हो जाता है। ग्रेटा उसे बताती है जस्ट रॉलिंग के क्लर्क का केस आया था। ग्रेटा फ्लेचर की असिस्टेंट, जो कि वो उसे बताती है कि मिरांडा का कॉल आया था। फ्लेचर कहता है उसे कह दो मैं 2 महीने की छुट्टी पर हूँ, मेरी टांग टूटी हुई है। ग्रेटा कहती है तुम खुद ही क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि मिरांडा उस समय फ्लेचर के पीछे ही खड़ी थी, और जैसे ही वो पीछे देखता है कहता है आज तुम कहर ढा रही हो, और ग्रेटा का गिफ्ट उठाकर उसे दे देता है कि आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तब मिरांडा उसे आज रात मिलने का बोलती है, क्योंकि वो उसे किसी से मिलवाना चाहती है किसी केस के सिलसिले में। और जब वो मैक्स के पास पहुंचता है तो मैक्स बहुत ही ज़्यादा उदास है, और वो कहता है हम रेस्लिंग के लिए नहीं जा रहे ना। वहीं ऑड्री जेरी के साथ डिनर पर है, जहां जेरी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है मैं चाहता हूं कि तुम और मैक्स मेरे साथ बोस्टन चलो, मैंने ये फैसला बहुत सोचने समझने के बाद लिया है, मैं तैयार हूं, तुम भी तैयार हो, और मैक्स मुझे बहुत पसंद है, और क्या चाहिए हमें। ऑड्री खुश हो जाती है। वहीं फ्लेचर मैक्स को नाइट को उसका बर्थडे विश करता है और उसे बेसबॉल सेट गिफ्ट करता है, जिसे देख मैक्स बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो खेलने का बोलता है तो फ्लेचर पहले मुझे अपना ज़रूरी काम करना है, और वहाँ से मैक्स उदास होकर के चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑड्री जेरी के साथ फ्लेचर के पास आती है और उसे कहती है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और वो आज रात मैक्स के बर्थडे पार्टी के बाद में वो बात करने वाली है। वहीं मिरांडा फ्लेचर को मिसेस कॉल के पास लेकर के जाती है, जहां उसे कॉल पूछती है कि मेरे केस में झूठ को सच बना सकोगे। फ्लेचर कहता है तुमने इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये आपके ही है ना। मिसेस कॉल कहती है हाँ एक तो है उसका। तब फ्लेचर कॉल को फेवर करता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तुम्हारे हस्बैंड की है, उसने तुमको प्यार नहीं दिया और तुम प्यार की तलाश में उन लोगों के पास में गई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमको कम नहीं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा की डिमांड करनी चाहिए। इतना सुनकर के मिसेस कॉल बहुत खुश हो जाती है और वो फ्लेचर को गले लगाती है और उसके बड्स भी दबाती है और वहाँ से खुश होकर के चली जाती है। तभी मिरांडा फ्लेचर को कहती है तुमने तो कमाल कर दिया, हम इस केस से बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं और इवन हम पार्टनरशिपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद वो फ्लेचर को किस करने लगती है। वहीं जेरी ऑड्री से बोस्टन चलने का पूछता है, लेकिन उसे मना करती है कि मैक्स फ्लेचर के बिना नहीं रह पाएगा। तभी फ्लेचर का कॉल आता है, जो कि मिरांडा के साथ में कुछ ज़्यादा ही बिजी होता है और वो मैक्स से बात भी नहीं कर पाता, और अब मैक्स बहुत ज़्यादा उदास होता है, उसका बर्थडे है, फ्लेचर उसके बर्थडे पर नहीं आया, और केक कट करने से पहले ऑड्री उसे विश मांगने का बोलती है। तब मैक्स विश मांगता है कि उसके फादर पूरा एक दिन के लिए झूठ ना बोले, और अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। जी दोस्तों,
फ्लेचर मिरांडा के साथ है, एक बेड पर होता है जहाँ मिरांडा कहती है आज तो मजा आ गया। फ्लेचर कहता है तुम मैं तो वो बात ही नहीं। इतना सुन मिरांडा उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। अब फ्लेचर अपने घर की बिल्डिंग की लिफ्ट में है, वहाँ एक न्यू टेनेंट उसे मिलती है जो कि डीप नेक टॉप पहने हैं। फ्लेचर उसे पूछता है अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। टेनेंट उसे कहती है यहाँ सब बहुत प्यारे हैं। फ्लेचर कहता है हाँ होंगे ही तुम्हारे बहुत बड़े जो हैं, मतलब तुम्हारा सामान बहुत भारी है। वहीं रास्ते में उसे रोज वाला भिखारी भी मिलता है। भिखारी उसे पूछता है क्या आप कुछ पैसे मुझे दे सकते हैं। फ्लेचर कहता है हाँ है पर ये तुमको नहीं दूंगा, मैं तुमसे भी बड़ा भिखारी हूँ। और अब फ्लेचर कोर्ट में पहुँचता है। उसे देख मिसेस कॉल कहती है लगता है तुम्हारा मूड ऑफ है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं उनकी अगेंस्ट लॉयर डेना वहाँ आती है। वो कॉल के हस्बैंड के साथ है जो कि उनकी अगेंस्ट लॉयर है। वो उसे पूछती है हमारे पास मिसेस कॉल के अगेंस्ट प्रूफ है, तुम केस कैसे जीतोगे। फ्लेचर कहता है केस जीतना तो मेरा बाय। इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता, जिस पर डेना कहती है ओके तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। तभी जज वहाँ आ जाता है जहाँ जज फ्लेचर से पूछता है कैसे हैं आप। फ्लेचर कहता है कल रात बिस्तर पर झंडे ठीक से नहीं गाड़ पाया इसीलिए अपसेट हूँ। इतनी बात सुन सब लोग वहाँ मौजूद हंसने लगते हैं। जज कहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर काम मुश्किल होता जाता है, और केस स्टार्ट करने का बोलता है। फ्लेचर कहता है मैं चाहता हूँ कि अगली तारीख दी जाए। जज कहता है आई नीड सॉलिड रीजन, प्रॉब्लम बताइए। फ्लेचर कहता है झूठ नहीं बोल पा रहा, जिस पर जज कहता है बहुत अच्छी बात है लेकिन आई नीड सॉलिड रीजन। जैसे ही डेना बोलती है सेटलमेंट का, फ्लेचर कॉल को सेटलमेंट का बोलता है लेकिन वो कहती है कि वो इतने कम में सेटलमेंट नहीं करेगी। कल तुमने ही मुझे कहा था मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, तुमने ही कहा था मैं प्यार की भूखी थी इसलिए गैर मर्द की बाहों में गई, तुमने ही कहा था हम जीतेंगे और अब मैं लड़ना चाहती हूँ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तब जज 1:30 पर ट्रायल का बोलता है और चला जाता है। फ्लेचर वहाँ से अपने केबिन के लिए निकलता है। अब वो हर बात सच बोल रहा है चाहे लिफ्ट में फाइट करना ही क्यों ना हो, और अब सब कुछ पहले का उल्टा बोलने लगा है। यहाँ तक कि अपनी असिस्टेंट क्रेटा को भी बोलता है आज मेरा मुंह मत खुलवा बुढ़िया, और अपने केबिन में पहुँचता है और एक ब्लू पेन लेकर के ट्रायल करता है कि वो झूठ बोल सकता है। लाख कोशिश के बावजूद भी वो ब्लू पेन को रेड पेन नहीं बोल पाता। फिर वो लिखने की कोशिश करता है कि वो लिख करके झूठ बोल सकता है, तो उसका खुद का हाथ उसके अगेंस्ट लिखता है और ब्लू से उसका पूरा फेस भर देता है। तभी ग्रेटा आती है, वो बोलती है क्या आप ठीक हैं। फ्लेचर कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तब ग्रेटा ऑडी का कॉल आया था मैक्स को लाने कितने बजे जा रहे हो। तब फ्लेचर ऑडी को कॉल करता है और आज वो सब सच बोलता है, लेकिन ऑडी बोलती है फिर झूठ, तुम कल रात भी यही सब बोल रहे थे तो तुम कल रात क्या कर रहे थे। जिस पर फ्लेचर कहता है सेक्स कर रहा था। ऑडी तो तुमको वो लड़की पसंद है। फ्लेचर कहता है नहीं उसके साथ सोने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा इन कैरियर, और फ़ोन को फेंक देता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी वो खुद को बोलता है तेरे जैसा नालायक के साथ यही होना चाहिए था। वहीं मैक्स बहुत उदास है, वो ऑडी से कहता है लगता है मेरी विश पूरी नहीं हुई। तभी रास्ते में ऑडी को फ्लेचर का कॉल आता है, वो उससे कहता है मेरे साथ सब गलत हो रहा है। ऑडी कहती है सही हो भी नहीं सकता, और मैं और मैक्स बोस्टन जा रहे हैं, जैदी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। फ्लेचर कहता है लेकिन तुम तो सीरियस नहीं थी ना। ऑडी कहती है हाँ लेकिन अभी मैं सडनली हो गई हूँ, लेकिन तुम बोस्टन चली जाओगी तो मैं मैक्स से कैसे मिल पाऊँगा। जिस पर ऑडी कहती है अभी कौन से मिल पाते हो। फ्लेचर कहता है मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ, और वो घर के लिए निकलता है। लिफ्ट में मिरांडा को देख सीढ़ियों से भागता है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ जाता है, तो पुलिस उसके पीछे पीछे आती है और वो ऑफिसर को भी सब सच बोलता है कि बहुत से फाइन अभी भरने बाकी हैं, और घर पहुंचने में उसे लेट हो जाता है। और ऑडी उस पर नाराज करती है क्योंकि वो उसका वेट कर रही थी जिसकी वजह से उसने एक मीटिंग भी मिस कर दी। वो जैदी से कहती है तुम कैब से क्यों आए, गाड़ी कहाँ है, और वो उसकी शक्ल देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑडी उसकी गाड़ी RTO से रिलीज करवाती है और फ्लेचर उसे कहता है जैदी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ऑडी कहती है क्यों। फ्लेचर कहता है वो मेरे जैसा नहीं। ऑडी कहती है यही बेस्ट क्वालिटी है उसकी। फ्लेचर कहता है ये सही नहीं है। ऑडी
ओ तो सही क्या है, वो जिसने कल रात अपने बेटे को दुखी किया उसके बर्थडे पर? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लेचर, लेकिन मैक्स को पड़ता है और उससे मुझे पड़ता है। फ्लेचर कहता है हाँ आई एम अ बैड फादर, और इस बात से फ्लेचर उदास हो जाता है और वो ऑडी से कहता है गिव मी अ लास्ट चांस, आई ऑलरेडी लॉस्ट यू, लेकिन मैक्स को नहीं खो सकता। ऑडी कहती है ओके 6 बजे आ जाना, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो हम बोस्टन चले जाएंगे, और जाने से पहले ये भी बोलती है कि कल रात मैक्स ने बर्थडे विश में ये मांगा था कि उसके डैड एक दिन झूठ ना बोलें। फ्लेचर को कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है, और वो सीधा मैक्स के पास स्कूल पहुंचता है। मैक्स उसे देख बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि वो उसके पास उसके साथ खेलने आया है, लेकिन फ्लेचर उसे कहता है, वहाँ उसे वो विश वापस लेने का बोलता है, कहता है कि अगर झूठ नहीं बोलेगा तो वो केस हार जाएगा, नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन रुक जाएगा। तब मैक्स रेडी हो जाता है और केक लगाकर कैंडल जलाकर मैक्स के सामने रखता है, और मैक्स विस वापस लेता है। तब फ्लेचर ट्रायल के लिए एक लेडी के पास जाता है और वहां से थप्पड़ खाकर वापस आता है जिसे मैक्स देख रहा था, और दोबारा मैक्स के पास आकर उसे फिर से विश वापस लेने का बोलता है, जिस पर मैक्स कहता है कि रात को उसने सच्चे दिल से विश मांगी थी और अब उसके बोलने पर ही वो विश मांग रहा है। तभी मैक्स की टीचर आकर मैक्स को ले जाती है और फ्लेचर ऑफिस पहुंचता है जहां उसे स्कल का कॉल आता है और चोरी को लेकर के वो लीगल एडवाइस मांगता है, जिस पर फ्लेचर कहता है कानून मत तोड़ो हराम खोर। तब ग्रेटा उसके पास आती है और कहती है फ्लेचर क्या आप ठीक हैं, जिस पर फ्लेचर कहता है मैक्स मुझसे नफरत करता है, मेरा बेटा। ग्रेटा कहती है नहीं आप उसके हीरो हैं। तभी वहाँ मिरांडा आती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है कि वो आज रात 8:24 तक झूठ नहीं बोल सकता, और वो मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। वहीं ग्रेटा को जब फ्लेचर द्वारा बोले गए सभी झूठ का पता चलता है तो वो वहाँ से जाने की तैयारी करती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। फ्लेचर उसे रोकता है, तभी वो उसे पूछती है मेरी सहेली के घर चोर ने चोरी करते समय जब वो चाकू पर गिर गया था तो जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था, लेकिन तुमने उल्टा मेरी सहेली से जुर्माना भरवाया $6,000 का। फ्लेचर कहता है मैं तो 10,000 डलवाना चाहता था। इतना सुन ग्रेटा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिरांडा फ्लेचर के पास आती है और उसे अपने साथ लेकर के एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे। वहाँ पर एलन भी मौजूद है जो कि उनकी कमेटी का पार्टनर है। वहाँ पर वो एलन के बारे में जो सोचता है वही सब बोलता है। ये सब सुन सभी लोग उन दोनों को देखते हैं और एक पिन ड्रॉप वाला साइलेंट हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो एलन बहुत जोर से हंसता है और बोलता है मजाक बहुत अच्छा है, ओके साइमन के बारे में बताओ। फ्लेचर कहता है वो बूढ़ा हो चुका है, उसे तो 10 साल पहले ही रिटायर होना चाहिए, पर घर में कैसे रहेगा, खूबसर पीवी जो है, और तुम टॉम बॉस के सामने तो बड़ी चापलूसी करते हो, तुम एलन के सामने हमेशा झुके रहते हो, अब ये बताओ कौन किसको कैसे लेता है देता है। और एक एक कर सबके हकीकत वो जो सोचता था वही बताने लगता है, इवन मिरांडा तक को वो उल्टा बोल देता है। वही सब बहुत हंसते हैं उसके बातें सुन, मिरांडा हैरान रह जाती है। एलन कहता है मज़ा आ गया, ऐसे ही मिलते रहना फ्लेचर, बाद में मिलता हूँ ढीले के लिए बोल करके वहाँ से चला जाता है और जाकर के बाहर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि 1:30 पर फ्लेचर कोर्ट पहुंचता है और केस को स्टार्ट करने के मना करता है क्योंकि मिसेस कोल अभी तक उसकी क्लाइंट नहीं आई है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि मिसेस कोल बच्चों के साथ आ जाती है। फ्लेचर कहता है आ गई ऐसी की तैसी करने और कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। तब डेना एक ऑडियो ऐसा एविडेंस प्ले करती है, वो मिस कॉल और उसके बॉयफ्रेंड के सेक्स की ड्यूरेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिस पर फ्लेचर खड़ा हो जाता है और कहता है जज साहब ऑडियो में जो आदमी मेरी क्लाइंट को मज़े दे रहा है वो उनके पति नहीं। तभी वो ऑडियो सुनते हैं जिसमें आवाज़ आती है मिसेस कॉल की, वो कहती हैं मेरे पति ने मुझे अभी तक ऐसा मज़ा नहीं दिया, और फ्लेचर वापस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब फ्लेचर की बारी है क्वेश्चनिंग करने की, जहां वो टॉयलेट जाने का बोलता है। जज कहता है क्या तुम रुक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? फ्लेचर कहता है नहीं, ज़्यादा देर रोकने पर प्रोटेस्ट खराब हो जाता है और हमारी बीवी या गर्लफ्रेंड हमें खास नहीं डालती। इतना सुन जज भी ब्रेक लेने का बोलता है और जल्दी वापस आने का बोल चला जाता है। और फ्लेचर बाथरूम में जाकर खुद को हर्ट करता है, कपड़े फाड़ता है और तरह तरह से
खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जो कि उसे वहां खड़ा एक बंदा देख रहा था। तभी कोर्ट में जज उसका वेट करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक गार्ड फ्लेचर को लेकर के आता है, जहां जज उसे कल 9 बजे तक का टाइम देता है, लेकिन कहता है अगर बहस करने की कंडीशन में हो तो हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस पर फ्लेचर, जो कि चाहकर भी छूट नहीं बोल पाता, वो हाँ कह देता है। तब एक ब्रेक लिया जाता है कुछ 15 मिनट का, और वापस कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ फ्लेचर मिसेस कोल के बॉयफ्रेंड को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता है और वो उसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो बार बार उसे खुद के केस के अगेंस्ट ही क्वेश्चन करता है, जिस पर फोल्क गुस्से में कबूल कर लेता है कि उसने मिसेस कोल के साथ में खूब बाजे किए हैं और केस उनके अगेंस्ट हो जाता है, जहाँ कोल उस पर गुस्सा करती है कि उसे उसके पैसे चाहिए, वो 31 साल की डिवोर्सी नहीं बनना चाहती, और 31 सुन फ्लेचर इसके बाद वो मिसेस कोल को सवाल करने बुलाता है, जहाँ पर वो मिसेस कोल से पूछताछ कर ये साबित कर देता है कि मिसेस कोल शादी के समय 70 साल की थी, मींस लॉ के अगेंस्ट उनकी शादी हुई थी, उनकी उम्र बहुत कम थी, तो अब उसे उसकी हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सुन सब खुश हो जाते हैं और मिसेस कोल फ्लेचर को किस करती है, लेकिन उसके बच्चों को और मिस्टर कोल को देख फ्लेचर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे मैक्स की याद आ जाती है कि ऑड्री अगर बोस्टन चली गई तो मैक्स भी उससे दूर हो जाएगा, और वो जज से वापस सुनवाई की डिमांड करता है, लेकिन जज उसके बिहेवियर को देख उसे अरेस्ट करने का बोलते हैं। इसके बाद फ्लेचर स्टेशन से ऑडी को कॉल करता है, तो पता चलता है कि वो और मैक्स बोस्टन के लिए निकल रहे हैं। फ्लेचर उसे कोर्ट बुलाता है उसकी जमानत करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनती। तभी ग्रेटा आकर फ्लेचर की बेल करवाती है। फ्लेचर कहता है मैंने अपनी जॉब खो दी, आई एम हैप्पी, अब मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा, तुम ज्वाइन करोगी? ग्रेटा कहती है हाँ, लेकिन डबल सैलरी। फ्लेचर कहता है यस, और वहाँ से ऑड्री को रोकने के लिए एयरपोर्ट भागता है, जहाँ रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है जिसे वो ढेर सारे चिल्लर दे देता है, मीन्स चेंजेस दे देता है। ग्रेटा ये देख बहुत खुश होती है। वहीं एयरपोर्ट पर जेरी, ऑड्री और मैक्स मिलते हैं, जहाँ जेरी मैक्स को फ्लेचर की तरह से खुश करने की कोशिश करता है, जिस पर ऑड्री देखती है और कहती है जाने दो, इस सब की ज़रूरत नहीं। तभी फ्लेचर एयरपोर्ट पहुँचता है। वहीं प्लेन के अंदर ऑडी डिस्टर्ब है और वो ड्रिंक की डिमांड करती है। तभी फ्लेचर लगेज बैग के अंदर प्लेन के पास पहुंचता है और रनिंग प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक स्टेयर ट्रक यूज़ करता है और उस पर चढ़कर मैक्स के विंडो तक पहुंचता है। उसे देख ऑडी कहती है शायद वो हमें बाय करने आया है, लेकिन प्लेन नहीं रुकता। तब फ्लेचर प्लेन के ऊपर एक जूता उतार करके फेंकता है और साइड में रुकने का बोलता है, और प्लेन रुक जाता है, लेकिन उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और तब वहाँ ऑड्री उसके पास पहुँचती है, जहाँ मैक्स को देख वो बहुत खुश होता है और मैक्स को सॉरी बोलता है कि उसने उसके साथ में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन तुम बोस्टन जा रहे हो। मैक्स, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, और मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं, अब कभी भी मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, मैक्स ऑड्री से कहता है। मॉम, डैड सच कह रहे हैं, कल रात मैंने विश मांगी थी कि डैड सच बोलेंगे। तभी फ्लेचर कहता है मैक्स तुमने 8:15 को विश मांगी थी और अभी 9:45 हो रहे हैं, जिस पर मैक्स कहता है तो क्या आप, लेकिन फ्लेचर कहता है नहीं, अब मैं हमेशा सच बोलूँगा। मैक्स कहता है ऑडी से मॉम क्या बोस्टन जाना ज़रूरी है? तभी जेरी बोलता है नहीं कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मेरा हॉस्पिटल वहाँ है, और ऑडी से कहता है टिकट रखो, कभी मूड बदले तो आना। और फ्लेचर मैक्स को देख तो ना खुश होते हैं। मूवी आफ्टर 1 ईयर दिखाई जाती है, जहाँ पर मैक्स के बर्थडे पर ऑडी वापस मैक्स को विश मांगने का बोलती है। मैक्स जैसे ही विश मांगता है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। जब मैक्स लाइट्स ऑन करके देखता है तो ऑडी और फ्लेचर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी फ्लेचर कहता है मैक्स तुमने ये विश मांगी कि मॉम डैड एक हो जाएं? मैक्स कहता है नहीं, मैंने रोलर ब्लेड मांगे, और अब तीनों एक साथ एक घर में खुश हैं। और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।